Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful, dear student, today we will talk about the third part of the enteral and parental nutrition chapter. यानी इंटरनल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन के चैप्टर्स को मैंने थ्री पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया था ताकि इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी कंसेप्ट है, उसको हम डिटेल से और इंतहाई बेसिक से हम उसको अंडरस्टैंड करें और उनको एक्सप्लेन करें। तो इसी वजह से इस चैप्टर को बजाय इसके कि मैं उसको शॉर्ट करूँ, मैंने उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आप लोगों को भी स्टडी करने में आसानी हो और हम स्टेप वाइज एक एक पार्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल से जो है इसको समझाएँ और इसको हम एक्सप्लेन करें। बेस्ट फार्मूला फॉर बेबी, यानी छोटे बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला कौन सा है। तो देखिए, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों को अंडर वन ईयर जितने भी बच्चे हैं, जिसको हम इन्फेंट कहते हैं, उसको हम ऑर्डिनरी फार्मूलाज उसके लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी अगर हम गाय के मिल्क इसके लिए इस्तेमाल करें, भैंस के मिल्क इस्तेमाल करें, या जो मिल्क हम डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हम छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। चूँकि छोटे बच्चों की जो इंटेस्टाइंस होती है, उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होती है, वो इतनी डिवेलप नहीं होती कि ये जो है इन डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क को वो एब्जॉर्ब करे, उसको डाइजेस्ट करे। तो इसलिए इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए इसके लिए कुछ स्पेशल टाइप के फार्मूलाज जो है वो बनाए गए हैं, जिसको हम कहते हैं इन्फेंट फार्मूलाज। देयर इज़ नो एविडेंस दैट वन ब्रांड ऑफ फार्मूला इज़ बेटर देन अनदर, हाउएवर यू शुड कंसिडर। देखिए, जब आप एक बच्चे के लिए फॉर एग्जांपल कोई फार्मूलाज रिकमेंड करना चाहते हो, कोई फार्मूला आप उसके लिए एडवाइस करना चाहते हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक बच्चे को आपने मोरिनागा NL33 एडवाइस की तो वो इसके लिए बेहतरीन रहेगी। ये बिल्कुल जो है ये कॉन्फिडेंटली आप नहीं कह सकते, लेकिन वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिपेंड करता है। एक बच्चे के लिए एक टाइप का फार्मूला बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए सफिशिएंट होता है, उसके कोई साइन सिम्टम इसी तरह डायरिया वगैरह इस बच्चे में काज नहीं कर सकती। तो अगर ये फार्मूला आप किसी दूसरे बच्चे पे अप्लाई करें तो हो सकता है कि उसमें डायरिया और इस तरह डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के जितने भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, वो काज करें। तो जब आप एक बच्चे के लिए कोई इन्फेंट फार्मूला जो है वो एडवाइस करना चाहते हैं, तो आप लोग ये बातें जो है आप लोग जहन में रखेंगे। सबसे पहला क्या है, चूजिंग अ फार्मूला बेस्ड ऑन काउ मिल्क अनलेस देयर इज अ कल्चरल रिलीजियस अल हेल्थ रीजन टू यूज अ डिफरेंट फार्मूला। यानी सबसे पहले आप ये चूज करेंगे कि वो फार्मूला आप एक बच्चे के लिए जो है वो एडवाइस करेंगे, एक बच्चे के लिए वो फार्मूला चूज करेंगे जो कि काउ मिल्क के बेस पे हो, यानी वो फार्मूला जो कि काउ मिल्क से बनाया गया हो और इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के विटामिन, आयरन और इस तरह डिफरेंट कंपोनेंट इसके साथ ऐड किया गया हो। तो सबसे पहले आप लोग कोशिश ये करेंगे के बजाय दूसरे मिल्क्स के, सबसे पहले बेहतरीन ऑप्शंस आप लोगों के साथ ये है कि वो मिल्क चूज़ करें, वो फार्मूला चूज़ करें जिसमें हाई मेकदार में काऊ मिल्क हो और काऊ मिल्क के साथ दूसरे इंग्रेडिएंट को मिक्स किया गया हो। लेकिन आप लोग कल्चर को भी देखेंगे, अगर इसी तरह कल्चर है फॉर एग्जांपल हिंदू कल्चर से जो कि काऊ मिल्क वगैरह को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इन तरह के अगर इस तरह के बैकग्राउंड के पेशेंट आ जाए इतनी बैकग्राउंड के, तो आप लोगों ने उसके लिए काऊ मिल्क वाली फार्मूला जो है वो आप लोगों ने चूज नहीं करना है। दूसरा क्या है, इफ पॉसिबल चूजिंग अ फार्मूला विद अ लोअर प्रोटीन लेवल विच मे रिड्यूस योर बेबी रिस्क ऑफ बीइंग ओवरवेट आर ओबीज इन लेटर लाइफ। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक बच्चे के लिए एक फार्मूला चूज करना चाहते हो, उसके लिए एक मिल्क का फार्मूला चूज करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर इसके मदर की मिल्क इनसफिशियंट है टू कम्प्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बेबी, और आप इस कंडीशन में उसके बच्चे के लिए कोई फार्मूला जो है एडवाइस करना चाहते हो, तो आप लोगों ने उन बातों का ख्याल रखना है, उन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चूजिंग है, यानी वो फार्मूला आपने चूज करना है जो कि काऊ मिल्क के बेस पे हो। दूसरा, आप लोगों ने अगर पॉसिबल है तो वो फार्मूला आप लोगों ने चूज करना है जिसमें प्रोटीन की लेवल बहुत ज़्यादा कम हो, क्योंकि अगर आप एक बच्चे को हाई लेवल में प्रोटीन जो है वो दे दें, तो ये प्रोटीन फ्यूचर लाइफ में इस बेबी में ओवरवेट या इस तरह मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम काज कर सकती है। थर्ड क्या है, ओनली यूजिंग स्पेशल फार्मूला इफ दे आर रिकमेंडेड बाई डॉक्टर। और इस तरह अगर एक डॉक्टर ने फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेशल फार्मूला रिकमेंड किया गया है, कोई स्पेशल फार्मूला एडवाइस किया गया है बच्चे के नीड के मुताबिक, तो वो आप लोगों ने जो है उस बच्चे के लिए जो है आप लोगों ने रिकमेंड करना है और उस बच्चे के पेरेंट्स को आप लोगों ने मोटिवेट करना है कि आपने बिल्कुल ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के ये फार्मूलाज है, इसके नेम्स है HAARL लैक्टोज फ्री आर सोयाबीन फार्मूला, ये डिफरेंट टाइप का फार्मूलाज है जो कि मुख्तलिफ किस्म के स्पेशल टाइप्स के लिए जो है, स्पेशल कास के लिए, स्पेशल डिजीज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। टेकिंग इनटू अकाउंट प्राइस एंड अफोर्डेबिलिटी,
फोर्थ ऑप्शंस ये है, फोर्थ अगर पॉसिबल है तो आप उसके ऑप्शंस को भी, इस ऑप्शन को भी आप अप्लाई करें, यानी आप अगर एक पेरेंट्स के लिए कोई जो है ऑप्शन देते हो कि वो अपने बच्चों के लिए इस टाइप के दूध ले ले, तो आपने इस पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी को भी देखना है, यानी इतना महंगा फार्मूला आप लोगों ने रिकमेंड नहीं करना है जो उसके पेरेंट जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अवेलेबल इन्फेंट फार्मूला प्रिपरेशन, यानी पाकिस्तान में वो कौन कौन से फार्मूलाज है या थ्रू आउट द वर्ल्ड वो कौन कौन से फार्मूलाज है जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट के लिए बने गए हैं या इन्फेंट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले है पाउडर फार्मूला। तो पाउडर फार्मूलाज क्या है? पाउडर फार्मूला इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव, ईच स्कोप ऑफ पाउडर फार्मूला मस्ट बी मिक्स्ड विद वाटर। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो कंपोजिशन है इसमें है पाउडर फार्मूलाज, और पाउडर फार्मूलाज वो फार्मूलाज है जो कि पाउडर फॉर्म्स में होते हैं और उसके साथ वाटर मिक्स करके उससे मिल्क बनाया जाता है। इसके साथ दूसरा फार्मूलाज क्या है? कंसंट्रेटेड लिक्विड फार्मूला, दिस टाइप ऑफ फार्मूला आल्सो बी मिक्स्ड विद वाटर। देखिए ये दूसरी टाइप जो फार्मूलाज है जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड लिक्विड फार्मूला, इसमें भी वाटर की मकदार प्रेजेंट होती है, लेकिन वाटर की नस्बत इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होती है वो बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में होती है, इसलिए आपने उसके साथ जो है वाटर मिक्स करना है ताकि उसकी विस्कासिटी जो है वो हम कम करें। थर्ड फार्मूला जो है वो है रेडी टू यूज़ फार्मूला। रेडी टू यूज़ फार्मूला इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट टाइप ऑफ इन्फेंट फार्मूला। ये बहुत ज़्यादा आसान फार्मूला है क्योंकि आप उसको खरीद करके डायरेक्टली आप एक बच्चे को दे सकते हैं, ना उसमें पानी मिक्स करने की ज़रूरत है, ना उसमें कोई दूसरी चीज़ मिक्स करने की ज़रूरत है। इट डज नॉट नीड टू बी मिक्सड विद वाटर, इट आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन। तो देखिए अगर MCQs में आ गया कि सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव फार्मूला इन्फेंट के लिए वो कौन सा है, तो आप लोगों ने इस मार्क को, इस ऑप्शन को क्लिक करना है, रेडी टू यूज फार्मूला इज अ मोस्ट एक्सपेंसिव, ये बहुत ज्यादा कीमती है, और पाउडर फार्मूला इज द लीस्ट एक्सपेंसिव, ये बहुत कम जो है लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप की फार्मूला। टाइप ऑफ फार्मूला मिल्क, आप देखिए कुछ जो है मिल्क भी आए हुए हैं बच्चों के लिए, तो देखिए ये दो तरह के न्यूट्रिशंस हम बच्चों को दे सकते हैं। कुछ फार्मूला इस तरह होते हैं कि उसमें मिल्क के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के दूसरे इंग्रेडिएंट, दूसरे मैक्रोमॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के लिपिड्स, प्रोटीन भी मिक्स होते हैं। लेकिन कुछ फार्मूला इस तरह होते हैं जिसमें हाई मकदार में, हाई कंसंट्रेशन में वहाँ पर प्रेजेंट होती है मिल्क, और मिल्क के साथ साथ स्लाइटली अमाउंट में कुछ दूसरे जो है प्रिजर्वेटिव भी ऐड किया जाता है। प्रिजर्वेटिव वो केमिकल्स है जो कि मिल्क को सेफ करता है, मिल्क को ख़राब होने से बचाता है। कमर्शियल इन्फेंट फार्मूला आर रेगुलेटेड बाय द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। थ्री मेजर टाइप्स आर अवेलेबल। तो देखिए फूड एंड ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी है जिसको हम FDA कहते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी मेडिसिन बनते हैं, जितनी भी ड्रग्स बनते हैं या जितने भी फूड्स के आइटम्स बनते हैं, उसकी क्वांटिटी को देखने के लिए, उसकी क्वालिटी को देखने के लिए एक इदारा है पाकिस्तान में, और इसको हम कहते हैं ड्रग्स एंड फूड एंड ड्रग्स रेगुलेशन अथॉरिटी। तो फूड और ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी ने थ्री टाइप ऑफ फार्मूला को जो है वो पाकिस्तान में इसको अप्रूव किया गया है, उसको यूज़ करने की इजाज़त दी गई है। तो सबसे फर्स्ट वन क्या है? काउ मिल्क प्रोटीन बेस्ड फार्मूला। वो फार्मूला जिसमें काउ मिल्क होती है और अलॉन्ग विद देम प्रोटीन भी जो है इसमें मिक्स होती है, यानी वो फार्मूला जो कि काउ मिल्क से बन जाती है और उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। दूसरा है सोया बेस्ड फार्मूला। थर्ड है प्रोटीन हाइड्रोलाइज फार्मूला। तो इन तीनों के बारे में हम जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले है काउ मिल्क प्रोटीन बेस्ड फार्मूला। मोस्ट इन्फेंट फार्मूला इज मेड विद काउ मिल्क दैट बीन अल्टर टू रिजेम्बलेस ब्रेस्ट मिल्क। देखिए सबसे फर्स्ट जो है वो है काउ मिल्क फार्मूला। मेजॉरिटी जितने भी इन्फेंट फार्मूलाज है वो मोस्टली काउ मिल्क से, यानी गाय के दूध से जो है वो बनाई जाती है, और इसी तरह गाय के दूध को जो है चेंज करके, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं उसको चेंज करके उसको मदर के मिल्क के मुतबादिल बनाया जाता है, यानी फीमेल की मदर्स की जो मिल्क होती है उसके अंदर जितने भी फॉर एग्जांपल प्रोटीन की कंसंट्रेशन होती है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड की कंसंट्रेशन होती है, तो इसी तरह सेम ये गाय की जो मिल्क है, काउ की जो मिल्क है, उसको चेंज करके उसमें मुख्तलिफ किस्म के मैक्रोमॉलिक्यूल्स और प्रोटीन की मकदार को मदर के मिल्क के रिजेंबल उसके तरह जो है वो बनाया जाता है। दिस गिव द फार्मूला द राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मेक द फार्मूला इजियर टू डाइजेस्ट। और इसी तरह काउ मिल्क प्रोटीन बेस्ड फार्मूला ये बिल्कुल मदर की मिल्क की तरह उसकी रिजेंबलेंस होती है, उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट होती है वो बिल्कुल मदर मिल्क की तरह होती है, और इसी तरह एक बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ईजिली जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है।
मोस्ट बेबीज डू वेल ऑन काउ मिल्क फार्मूला, मेजॉरिटी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी इन्फेंट है, वो बिल्कुल काउ मिल्क बेस्ट, काउ मिल्क प्रोटीन बेस्ड फार्मूला के लिए वो कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर सकता। मतलब ये है कि ये फार्मूला उनमें कोई डिजीज काज नहीं कर सकते। सम बेबीज हाउएवर सच एज दोज एलर्जिक टू द प्रोटीन इन काउ मिल्क नीड अदर टाइप ऑफ इन्फेंट फार्मूला। लेकिन कुछ बच्चे इस तरह होते हैं कि उसमें प्रॉब्लम्स होती है, यानी वो काउ की मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसके अंदर जो है वो पेप्सिन वगैरह की कमीज होती है, रिनिन की कमीज होती है, इस तरह वो प्रोटीन को जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता जो कि काउ मिल्क में प्रेजेंट होती है। तो इस तरह के बच्चों के लिए आपने कोई दूसरा फार्मूला चूज करना है, यानी इस तरह के बच्चे के लिए जो कि काउ मिल्क या काउ मिल्क के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है अगर उसको ये एलर्जिक है, तो इन तरह के बच्चों के लिए आपने कोई दूसरा फार्मूला जो है वो यूज़ करना है, यानी ये फार्मूला आप लोगों ने फिर उसके लिए इस्तेमाल नहीं करना। काउ मिल्क बेस्ड फार्मूला, मोस्ट बेबी फार्मूला मिल्क आर रिजेंबल्स अनमोडिफाइड काउ मिल्क विच इज़ रिकमेंडेड ओवर अदर टाइप ऑफ फार्मूला फॉर मोस्ट बेबीज। द प्रोटीन इन मिल्क कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कोवर्ड, जिसको हम कहते हैं केसिन एंड वाई, जिसको हम कहते हैं लस्से, केसिन इज लॉम्पी एंड वाई इज वॉटरी। यानी मतलब ये है कि काउ मिल्क्स के अंदर जो प्रोटीन्स होती है, इस प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया जाता है और प्रोटीन को कोवर्ड में, जिसको हम पनीर कहते हैं, या ये केसिन होती है, यानी हाई मकदार में इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। मतलब ये है कि काउ मिल्क के जो प्रोटीन्स होते हैं उसको दूसरे टाइप में कन्वर्ट किया जाता है इन काउ मिल्क बेस्ड फार्मूला में, यानी इन प्रोटीन्स को या तो कोवर्ड में तब्दील किया जाता है या वाई में तब्दील हो जाती है। कोवर्ड इज लॉम्पी, कोवर्ड इज स्लाइटली जो है वो लॉम्पी टाइप्स की होती है, वो बबल्स इसके जरिए जो वो बबल्स टाइप की होती है, मतलब यह है कि वो जेली टाइप्स की होती है। एंड वाई इज वाटरी, और जिस तरह आप देखते हैं लस्सी वो थोड़ी से वाटरी टाइप्स की होती है, थोड़े से वाटर की तरह रिजेंबलेंस रखता है। तो मतलब ये है कि काउ मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इस प्रोटीन को मुख्तलिफ किस्म के केमिकल के ज़रिए, मुख्तलिफ किस्म के इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए उसको चेंज किया जाता है। यानी इस मिल्क के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उस प्रोटीन को या तो कोवर्ड में तब्दील किया जाता है जिसको हम केसिन कहते हैं, या वाई में तब्दील किया जाता है जिसको हम लस्सी कहते हैं। और इस तरह ये कोवर्ड और वाई ये बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम इसको ईजिली डाइजेस्ट करके वहाँ पर ईजिली एब्जॉर्ब हो सकता है। द रेशियो ऑफ किसिन टू वाई कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बेबी फार्मूला मिल्क। और इस तरह मुख्तलिफ किस्म के बेबीज़ के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूलाज बनाए जाते हैं, और हर एक फार्मूलाज के अंदर जो केसिन और वाई की कंपेरिजन होती है, उसकी जो रेशियोज होती है वो सेपरेट्स होती है। देयर आर टू मेन टाइप्स, यानी काउ मिल्क बेस्ड फार्मूला की दो टाइप्स है। तो देखिए एमसीक्यूज में किस तरह पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में आप लोगों से इस तरह पूछा जा सकता है कि व्हाट इज काउ मिल्क बेस्ड फार्मूला। यानी काउ मिल्क बेस्ड फार्मूला वो फार्मूला है जिसको काउ मिल्क में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसको मदर मिल्क की तरह रिजेंबल्स किया जाता है। दूसरी यह है कि काउ मिल्क बेस्ड फार्मूला में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर उसको कोवर्ड एंड वाई में तब्दील किया जाता है, और ये कोवर्ड एंड वाई एक बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है, ईजिली डाइजेस्ट कर सकता है। और इसके मजीद दो अकसाम हैं। सबसे फर्स्ट जो किस्म है उसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज फार्मूला, और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंड स्टेज फार्मूला। अब देखिए फर्स्ट स्टेज फार्मूलाज क्या है। फर्स्ट स्टेज फार्मूला, दिस मिल्क आर बेस्ड मोस्टली ऑन वाई विद अ केसिन। तो देखिए फर्स्ट स्टेज फार्मूला में हाई कंसंट्रेशन में यहाँ पे प्रेजेंट होती है वाई, वाई को हम कहते हैं लस्से। ये नहीं बिल्कुल, मतलब ये है कि प्रोटीन को इसी तरह वाई टाइप की शक्ल की तरफ जो है वो चेंज किया जाता है विद अ केसिन। यानी केसिन की बनिस्बत यहाँ पे वाई की मकदार जो है वो ज़्यादा होती है। वाई रेशियो ऑफ 40 and 60 विच इज़ अबाउट द सेम एज ब्रेस्ट मिल्क। तो देखिए इसके अंदर मतलब ये है कि इसके अंदर जो वाई और केसिन्स की रेशियोज होती है वो 40:60 है। मतलब ये है कि सेम रेशियो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो वाई और केसिन प्रेजेंट होती है उसके अंदर भी पाई जाती है। मतलब ये है कि 40:60 रेशियो या 40:60 ये रेशियो बिल्कुल केसिन और वाई की मदर मिल्क में भी प्रेजेंट होती है, और इस तरह इस फार्मूला के अंदर भी। तो मतलब ये है कि ये मिल्क जो है ये बिल्कुल मदर की मिल्क की तरह रिजेंबलेंस रखता है। दे आर सुटेबल फॉर यूर बेबी from birth up to about years and are thought to be easier for baby to digest than casein based milk. तो देखिए मतलब ये है कि ये फार्मूला यानी फर्स्ट स्टेज फार्मूला ये बहुत ज़्यादा ईजिली जो है हम आफ्टर बर्थ डायरेक्टली एक बेबी को, एक बच्चे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वन ईयर तक जो है हम उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केसिन की बनिस्बत वाई की मकदार ज़्यादा होती है और ये वाई एक बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम ईजिली जो एडजस्ट करके उसको एब्जॉर्ब कर सकता है।
तो देखिए, इसके लिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज फार्मूला में के सीन और वे की कंसंट्रेशंस कितनी होती है, यानी यहाँ पे 60% या 60 फॉर एग्जांपल 60% यहाँ पे वे प्रेजेंट होती है और 40% यहाँ पे के सीन प्रेजेंट है। तो मतलब ये है कि के सीन के बनिस्बत वे की मकदार यहाँ पर ज़्यादा है और एक बच्चे को पैदाइश के फौरन बाद हम उसके लिए फर्स्ट स्टेज फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। दूसरी है सेकेंड स्टेज फार्मूला, फॉलो ऑन आवर हंग्री बेबी फार्मूला। दिस मिल्क कंसिस्ट ऑफ मोस्टली केसिन विद अ केसिन वाई रेशियो ऑफ 80:20। देखिए, जिस तरह हमने फर्स्ट स्टेज फार्मूला में बात की कि फर्स्ट स्टेज फार्मूला में ज़्यादा कंसंट्रेशन में वाई प्रेजेंट होती है, इसी तरह सेकेंड स्टेज फार्मूला में ज़्यादा मकदार में जो है वो केसिन प्रेजेंट है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है, यानी यहाँ पे केसिन की जो रेशियो है वो है 80 और वाई की जो रेशियो है वो है 20। तो इसी तरह आप लोगों से रेशियो के बारे में भी पूछ सकता है कि सेकेंड स्टेज फार्मूला में फॉर एग्जाम्पल केसिन की कितनी रेशियो है या वाई की कितनी रेशियो है। तो इस तरह आप लोगों से पूछा जा सकता है। मैन्युफैक्चरर क्लेम दैट द हायर केसिन कंटेंट means the milk take longer to digest keeping baby fuller for longer times। तो देखिए, जितने भी इंडस्ट्रीज है जो कि सेकेंड स्टेज फार्मूला को जो है सिंथिसाइज करते हैं, उसकी फॉर्मेशन करते हैं, वो ये क्लेम करते हैं, वो ये दावा करते हैं कि अगर आप एक बच्चे को सेकेंड स्टेज फार्मूला दे दें जिसमें हाई मकदार में केसिन प्रेजेंट है, तो ये एक बेबी को काफ़ी टाइम के लिए उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है फूड की न्यूट्रिशंस के लिए उसको मेंटेन रखता है। सोया बेस्ड फार्मूला, ये सेकेंड टाइप है इन्फेंट फार्मूला की, यानी फर्स्ट टाइप के बारे में हमने बात की और फिर उसके दो टाइप्स के बारे में, सब टाइप्स के बारे में बात की। अभी हम बात करेंगे सोया बेस्ड फार्मूला। सोया बेस्ड फार्मूला कैन बी यूजफुल इफ़ यू वांट टू एक्सक्लूज एनिमल प्रोटीन फ्रॉम योर चाइल्ड डाइट्स। यानी अगर आप ये चाहते हो कि जितने भी एनिमल्स प्रोटीन्स है, यानी काउ मिल्क के प्रोटीन्स है, बफिलो के मिल्क प्रोटीन है, गोट के मिल्क है, मुख्तलिफ किस्म के इन जानवरों के मिल्क, अगर हम उनके प्रोटीन को अवॉइड करें, तो उसके लिए हम ये फार्मूला जो है सिंथिसाइज करके एक बच्चे को जो है वो दे सकते हैं। यानी मतलब यह है कि वो बच्चे जिसको एलर्जिक है काउ मिल्क के प्रोटीन से या बफिलो के मिल्क के प्रोटीन से या मुख्तलिफ किस्म के शीप्स गोट्स के मिल्क के प्रोटीन से, तो इस तरह के बच्चे के लिए हम ये फार्मूला जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सोया बेस्ड इन्फेंट फार्मूला माइट आल्सो बी एन ऑप्शन फॉर बेबीज हु आर इंटोलरेंट आर एलर्जिक टू काउ मिल्क फार्मूला और टू लैक्टोज अ कार्बोहाइड्रेट नेचुरली फाउंड इन काउ मिल्क्स। तो देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि सोए बेस्ड फार्मूला हम उन बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एलर्जिक है एनिमल्स के मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर उसको एक बच्चा एलर्जिक है तो इसके लिए हम कोई मुतबादिल फार्मूला इसके लिए हम जो है एडवाइस करते हैं और उसको हम कहते हैं सोया बेस्ड फार्मूला। However, babies who are allergic to cow milk might also be allergic to soya milk. लेकिन कुछ बच्चे इस तरह होते हैं जो कि allergic होते हैं, फॉर example, अगर वो cow milks को allergic है, तो mostly वो बच्चे again soya based milk formula को भी allergic होते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी जो proteins या carbohydrates की concentration या इसकी जो amounts होती है वो बिल्कुल same होती है cow based milk formula की तरह। गोट मिल्क फार्मूला, आप देखिए, जिसको हम कहते हैं बकरी के जो है मिल्क से जो फार्मूला बनाया जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ गोट मिल्क फार्मूला आर अवेलेबल इन द शॉप्स। मुख्तलिफ किस्म के मिल्क के वो फार्मूलाज भी अवेलेबल है शॉप्स में, मुख्तलिफ किस्म के मार्केट्स में, मेडिकल स्टोर्स में, जो कि बनाई जाती है गोट के मिल्क से, यानी बकरियों के दूध से वो फार्मूलाज बनाया जाता है और बकरियों के दूध में थोड़ा सा चेंजेस ला के उसको बनाया जाता है मदर मिल्क के मुतबादिल। दे आर प्रोड्यूस टू द सेम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड एज काउ मिल्क बेस्ड फार्मूला। इसको बिल्कुल इसी स्टैंडर्ड के साथ बनाया जाता है जिस तरह काउ मिल्क बेस्ड फार्मूला को बनाया जाता है। गोट मिल्क फार्मूला इज नॉट लेस लाइकली टू काज एलर्जिक इन बेबीज देन काउ मिल्क फार्मूला। लेकिन अगर हम बात करें यानी गोट की मिल्क फार्मूला की, तो वो बनिस्बत काउ मिल्क फार्मूला की वो कम एलर्जी जो है वो एक बच्चे में जो है वो काज करती है। मतलब ये है कि गोट की मिल्क से जो फार्मूलाज बनाया जाता है, अगर उसको हम कंपेयर करें काउ मिल्क फार्मूला के साथ, तो इसकी बनिस्बत गोट मिल्क की फार्मूला से कम एलर्जिक रिएक्शंस काज होती है। एंटी रिफ्लक्स या स्टे डाउन फार्मूला, यानी एंटी रिफ्लक्स या स्टे डाउन फार्मूला क्या है? दिस टाइप ऑफ फार्मूला इज थिकंड विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग रिफ्लक्स इन बेबीज व्हेन बेबीज ब्रिंग अप मिल्क ड्यूरिंग और आफ्टर अ फीड। देखिए, कुछ बच्चे इस तरह होते हैं जिसको अगर हम कोई दूध दे दें या हम कोई इन्फेंट फार्मूला दे दें या उसको हम कोई ब्रेस्ट मिल्क दे दें,
तो कुछ टाइम के बाद वो वोमिटिंग स्टार्ट करती है, यानी रिफ्लक्स एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है और इसकी वजह से वो वोमिटिंग स्टार्ट करती है और जितना भी मिल्क उसने इनटेक किया गया हो वो दोबारा जो है उसको एक्सक्रीट करता है, दोबारा उसको जो है ह्यूमन बॉडी से दोबारा उसको निकाल देता है। मतलब ये है कि इसको हम कहते हैं रिफ्लक्स, यानी एंटी रिफ्लक्स फार्मूला, वो फार्मूला जिसको रिफ्लक्स सिस्टम यानी एंटी पेरिस्टाल्टिक्स के ज़रिए वो मिल्क दोबारा बाहर नहीं आ सकती। मतलब यह है कि एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से यह फॉर्मूलास के मिल जो है इस पे कोई इफेक्ट नहीं और इसकी वजह से एक बच्चे को वोमिटिंग्स नहीं होती। लैक्टोज फ्री फार्मूलास, दिस फार्मूला इज सुटेबल फॉर बेबीज हु आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। तो कुछ बच्चे इस तरह होते हैं कि वो लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर सकते, यानी लैक्टोज को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिस मीन्स दे कैन नॉट एब्जॉर्ब लैक्टोज अ शुगर फाउंड इन मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट्स। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि इस तरह के बच्चे जो है इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके इंटेस्टाइन फूड से लैक्टोज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो मतलब यह है कि उसको लैक्टोज इनटॉलरेंट डिसऑर्डर है, इसलिए हम उसको कोई जो है वो फार्मूला एडवाइस करते हैं जिसमें लैक्टोज नहीं है। लैक्टोज फ्री फार्मूला मतलब यह है कि वो फार्मूला जिसमें लैक्टोज एब्सेंट हो। और लैक्टोज क्या है? लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट से जो कि पाया जाता है मिल्क्स में और मुख्तलिफ किस्म के डेयरी प्रोडक्ट्स में। डेयरी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम बनाते हैं मिल्क से। लैक्टोज इनटॉलरेंट सिम्टम इंक्लूड डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड ब्लॉटिंग्स। तो देखिए, इसके सिम्टम्स क्या है, यानी अगर एक बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप इसको किस तरह जो है आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसके सिम्टम्स ये है कि इस तरह के बच्चों को डायरिया के जो है वो कंप्लेन होगी, एब्डोमिनल उसको पेन होगी, पेट में मरोड़ होगी, इस तरह ब्लॉटिंग, इसको हर वक्त जो है वो फैट्स की प्रॉब्लम्स होगी, जो है वो मुख्तलिफ किस्म के साउंड्स एपीआर होना स्टार्ट होगी जो है इसके एब्डोमिनल कैविटीज़ में। तो मतलब ये है कि वो बच्चे जिसमें इसी तरह के सिम्टम्स एपीआर होते हैं आफ्टर मिल्क इंजेक्शंस, तो इसके लिए हम वो फार्मूला एडवाइस करते हैं जिसमें लैक्टोज की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है और इस फार्मूला को हम कहते हैं लैक्टोज फ्री फार्मूला। हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन फार्मूला, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन फार्मूला क्या है? इफ़ द बेबी इज डायग्नोस्ड एज बीइंग एलर्जिक टू काउ मिल्क, द एप्रोप्रिएट इन्फेंट फार्मूला इज फुली हाइड्रोलाइज्ड ब्रोकन डाउन प्रोटीन्स। देर आर टू वर्जन्स अवेलेबल। मतलब क्या है हाइड्रोलाइज प्रोटीन का? मतलब यह है, देखिए अक्सर मिल्क में जो है वो प्रोटीन्स के मैक्रोमालिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब यह है कि प्रोटीन्स के एमिनो एसिड की कम्बिनेशन प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर कुछ बच्चे इस तरह हो जो कि इसी तरह काउ मिल्क प्रोटीन बेस्ड फार्मूले को अगर वो एलर्जिक है, तो इस तरह के बच्चों के लिए हम हाइड्रोलाइज प्रोटीन फार्मूलाज जो है उसके लिए एडवाइस कर सकते हैं। और हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन फार्मूला के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो ब्रोकन फॉर्म्स में होते हैं, यानी वहाँ पे मैक्रोमॉलिक्यूल्स नहीं होते, वहाँ पे पाए जाते हैं एमिनो एसिड या डाइजेस्टिव फॉर्म्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन। तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स या एमिनो एसिड एक बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम एज कम्पेयर टू मैक्रोमॉलिक्यूल उसको ईजिली डाइजेस्ट कर सकता है और उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसी तरह हाइड्रोलाइज प्रोटीन फार्मूला के दो टाइप्स है, पार्शियली हाइड्रोलाइज फार्मूला, कम्फर्ट फार्मूला, इसको हम कम्फर्ट फार्मूला भी कहते हैं, पार्शियली यानी पार्शियली मीन्स हाफ। दिस टाइप ऑफ फार्मूला मिल्क इज मेड कम्प्लीटली फ्रॉम वाई प्रोटीन। ये फार्मूला जो है ये वाई मिल्क से जो है वाई मिल्क के प्रोटीन से या वाई प्रोटीन से जो है इसको बनाया जाता है। It is marked as being easier to digest and suitable for babies suffering from colic, wind and stomach pain. तो देखिए, इसी तरह के बच्चे जिसको कोलान की पेन हो, इसी तरह वाइंड पाइप की पेन हो, स्टोमेज की पेन हो, तो इसी तरह के बच्चों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पार्शियली हाइड्रोलाइज फार्मूला। तो पार्शियली हाइड्रोलाइज फार्मूला में प्रेजेंट होता है वाई के प्रोटीन और वाई के प्रोटीन को मजीद जो है उसको डाइजेस्टेबल बनाया जाता है, उसको मजीद जो है स्मॉल कंपोनेंट में कन्वर्ट किया जाता है। दे आर ऑल्सो सम टाइम प्रोमोटेड एज बींग गुड फॉर बेबीज विद एलर्जीज। और ये फार्मूला मोस्टली हम उन बेबीज़ के लिए भी जो है इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एलर्जिक हो मुख्तलिफ किस्म के काउ मिल्क बेस्ड प्रोटीन्स के लिए या इस तरह मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलास के लिए जहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट हो, अगर बच्चे उसके लिए एलर्जिक हो तो हम उसके लिए ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी टाइप है इसकी फुली हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला, स्पेशली डिज़ाइंड फॉर बेबीज विद एन एलर्जी और इनटॉलरेंस टू काउ मिल्क। तो देखिए, इस तरह के मिल्क यानी फुली हाइड्रोलाइज का मतलब यह है कि इसके अंदर जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसको कम्प्लीटली मोनोमर्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी उसको पूली हाइड्रोलाइज किया जाता है।
और ये भी हम मोस्टली उन बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इंटॉलरेंट होते हैं काउ मिल्क को। फार्मूला फीड एलर्जी एलर्जिनेसिटी डिक्रीज विद डिक्रीजिंग चैन लेंथ। और इसी तरह प्रोटीन्स, देखें आप लोगों ने ये पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में कि प्रोटीन्स एक लॉन्ग चेन है अमीनो एसिड की। जितना चेन लॉन्ग लेंथ हो इतनी ही ज़्यादा एक बच्चे में एलर्जी की रिएक्शंस होती है, क्योंकि बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम अगर लॉन्ग चेन को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए हम जितना भी चेन को लाइट बना ले, चेन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करें, उतना ही बच्चे में एलर्जिक सिम्टम्स कम से कम होगी। गुड नाइट मिल्क, गुड नाइट मिल्क क्या है या गुड नाइट मिल्क फार्मूला क्या है? सम फॉलो अन फार्मूला हैज सीरियल एडिड टू इट एंड इट सोल्ड एज अ स्पेशल फार्मूला फॉर बेबीज टू हैव एट बेड टाइम। कुछ फार्मूलाज इस तरह होते हैं जिसमें जिस तरह आप मुख्तलिफ किस्म के सीरिलैक्स देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पाउडर टाइप के मिल्क देते हैं जिसको हम कहते हैं गुड नाइट मिल्क। दिस टाइप ऑफ फार्मूला इज नॉट नीडिड एंड देयर इज नो एविडेंस दैट बेबीज सेटल बेटर आर स्लीप लॉन्गर आफ्टर हैविंग इट। और इसी तरह के फार्मूलाज के लिए कोई इस तरह स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि अगर हम एक बच्चे को नाइट के वक्त गुड नाइट मिल्क जो है वो दे दें तो उसकी वजह से बच्चे जो है वो डीप स्लीपिंग करे, लेकिन काफ़ी उसके जो है एविडेंस मौजूद है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। गुड नाइट फार्मूला शुड नेवर बी गिवन टू बेबीज अंडर 6 मंथ ओल्ड। और ये जितने भी सीरिलैक है आप लोग देखते हैं जिसको मुख्तलिफ किस्म के मिल्क या इसी तरह वाटर के साथ जो है मिक्स करके एक बच्चे को दिया जाता है, तो ये आप लोग रिमेंबर करें कि इसको अगर एक बच्चे की उम्र 6 मंथ से कम हो तो कभी भी आप लोगों ने गुड नाइट फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब यह है कि अंडर 6 मंथ जितने भी बच्चे हैं, 6 मंथ से जिसकी एज कम हो, इसके लिए आपने गुड नाइट फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। ग्रोविंग अप मिल्क, या इसको हम कहते हैं टोडलर मिल्क। ग्रोविंग अप और टोडलर मिल्क्स आर मार्क्ड एज एन अल्टरनेटिव टू होल काउ मिल्क्स फॉर टोडलर एंड चिल्ड्रन एज ओवर 1। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि हर एज के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज बनाया जाता है और इस एज की बच्चे की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी स्ट्रेंथ होती है, उसकी जितनी भी एबिलिटीज़ होती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बेबी की वेट एज जो है वो फॉर एग्जांपल 6 मंथ है, तो इसके लिए अलग फार्मूला है। इसकी मंथ एज अगर 12 मंथ है तो उसके लिए अलग फार्मूला है। उसकी वेट एज अगर एक ईयर से ज़्यादा है तो इसके लिए अलग फार्मूला है। तो मतलब ये है कि टाइम टू टाइम उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंजेस आ जाते हैं और इस चेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज बनाया जाता है। तो इसी तरह ग्रोविंग अप एंड टोडलर मिल्क्स आर मार्क्ड एज अल्टरनेटिव टू होल काउ मिल्क्स। ये एक अल्टरनेटिव है, यानी होल मिल्क में वो मिल्क जिसको हम किसी गाय से हासिल करके, बैल से हासिल करके डायरेक्टली हम बच्चों को देते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू देम ग्रोविंग अप मिल्क में थोड़ा सा चेंजेस जो है लाया जाता है। यानी होल मिल्क वो मिल्क जिसमें हम कोई चेंजेस जो है चेंजेस के बगैर हम उसको इस्तेमाल करें उसको हम कहते हैं होल मिल्क। तो होल मिल्क की बनिस्बत ग्रोविंग अप मिल्क में थोड़ी सी चेंजेस आई जाती है। होल मिल्क, होल काउ मिल्क इज़ अ सूटेबल चॉइस एज अ मेन ड्रिंक फॉर योर चाइल्ड फ्रॉम एज 1। और इसी तरह होल काउ मिल्क भी आप लोग इसको रिमेंबर करें कि 1 साल के बाद आप बच्चे को होल मिल्क भी दे सकते हो, यानी 1 साल के बाद आप बच्चे के लिए होल मिल्क भी रिकमेंड कर सकते हो। सेमी स्कीम्ड काउ मिल्क इज़ अ सूटेबल मेन ड्रिंक फॉर चिल्ड्रन ओवर 2 हु आर ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। इसी तरह सेमी स्कीम्ड का मतलब यह है कि कुछ जगहों पे मिल्क्स को इसी तरह बॉयल्स किया जाता है और इसके अंदर जितने भी वाटर्स की इंग्रेडिएंट्स होती है, वाटर की कंसंट्रेशन होती है, उसको कम किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं सेमी स्कीम्ड काउ मिल्क। तो ये हम उन बच्चों के लिए देते हैं जिसकी एज 2 ईयर से ज़्यादा हो। तो मतलब ये है कि इसी तरह के मिल्क्स में हाई मकदार में प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वाटर जो है उसको हम एवोपोरेट्स करते हैं बॉइलिंग के ज़रिए। तो ये फार्मूला आप लोगों ने 2 ईयर से कम बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये हाई कंसनट्रेटेड फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आप लोग जो है जहन में रखें। 1 ईयर से या 1 ईयर से कम अगर बच्चे हैं, या फॉर एग्जांपल एक बच्चे की उम्र लेट सपोज 1 ईयर तक पहुंच गया, तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं काउ मिल्क। इसी तरह अगर एक बच्चे की उम्र 2 ईयर से बढ़ गए तो इसके लिए हम सेमी स्कीम्ड फार्मूला या काउ मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेमी स्कीम्ड काउ मिल्क का मतलब यह है कि हम मिल्क को बॉयल करके उसके वाटर की मकदार को जो है एवोपोरेट किया जाता है और हाई मकदार में यहाँ पर प्रेजेंट होती है मुख्तलिफ किस्म के फैट्स, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स।
सो थैंक यू वेरी मच. अभी तक हमने कंप्लीट डिटेल से थ्री पार्ट्स के जरिए मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आप लोगों को जितनी भी इंटर एंड पेरेंटल न्यूट्रिशंस के जितनी भी कॉन्सेप्ट है हम इसको अच्छे से अच्छी तरीके से समझाएं. इसलिए मैंने इस चैप्टर को थ्री पार्ट्स पे डिवाइड की ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में भी आसानी हो, आप लोगों को स्टडी करने में भी आसानी हो. तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं टाइम टू टाइम इससे एक एक लेक्चर बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ. तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है. लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट के सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.